हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मित सोनी। टेक इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 500 एंड 1000 रुपीस की नोट इंडिया में बैन हो चुकी है। तो आज हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे कि आप कैसे नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो गाइस, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर अच्छी न्यूज है कि हम 500 और 1000 रुपीस के नोट्स को इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन, तो वहाँ पर हम इन नोट्स को इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी यहाँ पर लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 11 नवंबर तक ही इन नोट्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हम बैंक में इन सारी नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए आपको वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड या पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बस आपको सिर्फ बैंक में जाना है, वहां पर जाकर नोट्स को सबमिट करना है और वैलिड आईडी प्रूफ बैंक अथॉरिटीज को दिखानी है। तो बस इतना करते ही आप इजीली नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज करने की भी यहाँ पर लिमिटेशन है कि आप पर डे 10,000 और पर वीक मैक्सिमम 20,000 रुपीज तक ही नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक और बड़ा डिसीजन लिया है कि हम 48 आवर यानी कि 10 नवंबर तक एटीएम को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद 11 नवंबर से 24 नवंबर तक एटीएम को यूज कर सकते हैं और वहां पर हम मैक्सिमम 2,000 रुपीज तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। और वैसे ही बैंक में हम मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक ही विड्रॉ कर सकते हैं और पर वीक यहाँ पर मैक्सिमम हम 20,000 रुपीज तक विड्रॉ कर सकते हैं। 20,000 पर वीक की लिमिट सिर्फ नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए ही है। अगर आपको नोट्स को डिपॉजिट करना है तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर हमें इससे जुड़ी कोई बार अच्छी न्यूज मिलती है तो हम इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपका लाल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।